सो हे गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आज हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज ये ब्लॉग मैं सुशांत सिंह राजपूत पे बनाने वाला हैं। एंड सुशांत सिंह राजपूत को आप लोग जानते ही होंगे, 14 जून 2020 को उनका डेथ हुआ था। एंड डेथ हम लोग तो मान सकते हैं, बट खुदकुशी जो बताया गया हम लोग को कि खुदकुशी कर लिए हैं, तो वो हम लोग नहीं कभी मानते हैं एंड नहीं मानेंगे कभी। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि सीबीआई जांच हुआ एंड आओ कई जांच हुई, बट हम लोग को ये बता दिया गया कि वो खुदकुशी किए हैं, जो कि एक क्लिप आपको हम दिखा रहे हैं। एंड उसके बाद आप लोग भी मानिएगा कि सुशांत ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं। एक ऐसी चीज जो हम सबको बताना चाह रहे हैं कि आप इस देश में चाहे कहीं से भी हो, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर आप में सपने देखने की काबिलियत है और किसी भी तरीके से आप अपने आप को अगर कन्विंस कर दे कि ये सच होगा, तो फिर वो सच हो जाता है। सो गाइज, इस क्लिप को देखकर क्या आपको लगता है कि सुशांत सर ऐसा कदम उठा सकते हैं? एंड हम तो नहीं मानते हैं, एंड हम जानते हैं कि इंडिया के 90% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि सुशांत सर खुदकुशी नहीं कर सकते हैं। और सोच रहा था कि 14 जून तक उनका एक स्केच तैयार करूं, तो वो पूरा नहीं हो पाया यार। एंड दिल से माफ़ी मांगता हूं, एंड बुरा भी लग रहा है मुझे। तो उसके पीछे एक रीज़न है कि मुझे बीच में तबीयत ख़राब हो गया था, एंड वो स्केच जो स्टार्टिंग मैंने किया था वो स्टार्ट ही बन के रह गया। तो छोटा सा मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया हूं, तो वो आप लोग को शेयर करते हैं। एंड हम बता दें कि आज ही के दिन सुशांत भैया का डेथ हुई थी, तो उनकी यादों में एंड हम एक स्केच बना रहे हैं। एंड ये ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है उस लोगों के लिए जो कि सुशांत भैया का फ़ैन है। तो यदि आप सुशांत भैया का फ़ैन हैं तो कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत सर लिख दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये हमारा ड्राइंग बुक एंड ये हमारा हथियार, इसकी सहायता से ही आज हम स्केच बनाने वाले हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत का रहेगा। एंड वो आज भी हमारे दिल में प्यार बन गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, उनका स्केच इतना ही बना था एंड हमने 12 को छोड़ दिया था एंड सोचा कि 13 को कंप्लीट कर लेंगे। एंड 13 को हमको बहुत ज़ोर से फीवर हो गया था, जिसके कारण हम बना नहीं पाए और इतना ही पे रह गया है। गाइज, कुछ और क्लिप दिखाते हैं एंड सुशांत भैया के बारे में कि वो क्या सोचते थे लोगों के बारे में, एंड कहीं ना कहीं वो सोच ही उनको बॉलीवुड से ये कांड करवा दिया। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच हो जाए और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उनको तब जाके पता चलेगा कि इसमें कुछ नहीं था। तो ये होना ज़रूरी है ये समझने के लिए। एक अच्छा कलाकार बनना बहुत कठिन है और एक अच्छा इंसान बनना उससे ज़्यादा कठिन है, और मैं दोनों बनना चाहूँगा यहाँ से जाने से पहले। सो गाइज, ये सारा क्लिप देखने के बाद आपको ज़रूर बुरा फील हो रहा होगा, एंड चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बॉलीवुड के पुत्र